हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज से। आज स्टॉक वैल्यूएशन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम कवर करने वाले। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का एमसीक्यू का वीडियोस अपलोड करके दिया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो को एक बार चेकआउट करना। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टॉक वैल्यूएशन के किस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम्स में आ सकते हैं, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके ऊपर हम एक छोटा सा लेक्चर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया है 1 जुलाई 2014 को ओपनिंग स्टॉक था 12,000 टॉय 3 रुपए ईच। ओपनिंग स्टॉक मतलब आप बोल सकते हो आपके पास बैलेंस था। तो मैंने ये फॉर्मेट जो स्टॉक वैल्यूएशन वो प्रिपेयर करके रखा है, डेट डाल देता हूँ 1/7/2014। अब आप बोलोगे सर हमको एमसीक्यूज में ऐसा लिखना है नहीं, आपके पास रफ पेस्ट तो रहेगा, अभी जो कैलकुलेशन दे रहा आप कैलकुलेटर में वो चीज करके रख सकते हो। अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन होता है तो दिमाग में करो, नहीं तो एक रफ पेपर लेना उसमें ऐसा फॉर्मेट पहले से बना के रखना तो आपके लिए एग्जाम में कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक मतलब यू कैन से आपके पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है तो वहां पे दिया है 12,000 टॉय, मतलब यूनिट में कितना आ जाएगा 12,000 यूनिट। एक टॉय का कीमत कितना है 3 रुपये, इसका कॉस्ट कितना होगा 36,000। ये बात समझ में आ गया, क्लियर। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि हमने सेल्स किया है, तो सेल्स किया है 22 तारीख को, तो 22 जुलाई 2014। कितना यूनिट बेचा है तो 5,000 यूनिट बेचा है। मेरे पास कितना यूनिट है 12,000, 12 में से 5,000 तो बिंदास बेच सकता हूं, तो 5,000 यूनिट को कितने में बेचा है वहां पे देखो जरा 20। बट मैंने आपको अभी बताया कि आपको कभी भी इसमें सेलिंग प्राइस नहीं लिखना होता है, इसमें कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो इसे खरीदा कितने में गया था 3 रुपए में, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 15,000। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा जरा बताओ, तो मैं बोलूंगा 12 में से 5 चला गया तो बचा 7,000, कीमत 3 रुपया वाला ही है तो 21,000, 36 में से 15 गया तो 21 बचेगा। बट सर हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ इशू। इशू मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ इशू का मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स फाइंड करना है 22 जुलाई का। तो 22 जुलाई को वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स का वैल्यू कितना है, कितना यूनिट 5,000 3 रुपए के हिसाब से। तो आप देखो आपको चार ऑप्शन दिया है 36,000, 1 लाख, 15,000 एंड 2 लाख। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा जिसमें 15,000 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। समझा ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आपको ये सब नहीं करना था बट इतना ही पूछा था। और ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है कि जो आप सेल्स करते हो वो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो 5,000 इंटू करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे। बट क्योंकि मेरे को एक्सप्लेनेशन देना था इसलिए मैंने ये पूरा कंप्लीट सॉल्व किया। समझाइए, बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 22 जुलाई को ओपनिंग स्टॉक था 7,000 टॉय जिसका वैल्यू था 21,000। यहाँ पे रेट पर यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पे 7,000 टॉय 21,000 के हिसाब से दिया, जैसे यहाँ पे है तो इसका रेट पर यूनिट कितना आ रहा है 3 रुपए आ रहा है ना। आप करके देखो 21,000 कॉस्ट है डिवाइड बाय 7,000 का, तो रेट पर यूनिट कितना उसका 3 रुपया। मेरे पास ये पहले से है ऐसा क्वेश्चन में दिया, मैं क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। तो 22 जुलाई को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 7,000 टॉय का है, 3 रुपए के हिसाब से 21,000 हो गया। आगे क्या दिया है, हमने क्या किया उसके बाद, परचेज किया है 10,000 टॉय 15 रुपए का। अब इसी के अंदर मैं लिख देता हूं फिर से। तो पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 7,000 टॉय था, 21,000 रुपए के हिसाब से तो 3 रुपया। फिर मैंने परचेज किया है, जो भी डेट है, कितना परचेज किया है 10,000 टॉय, कितने में परचेज किया है 15 रुपए में। जरा ध्यान देना, 10,000 टॉय 15 में परचेज करोगे मतलब 1.5 लाख रुपया होगा। बट उस दिन कैरेज इनवर्ड भी आया है, कैरेज का कॉस्ट भी आया है, तो 1.5 लाख प्लस 15 करोगे तो आएगा, सॉरी 1,000 करोगे तो 1,51,000 हो जाएगा। अरे समझा क्या हुआ, 10,000 टॉय 15 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपया और 1,000 रुपया कैरेज इनवर्ड दिया है ना वहां पे, देखो कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपया दिया है। तो अब मुझे बताओ इसका रेट पर यूनिट कितना होगा 15.1, परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 15.1 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। फर्क समझ में आ गया, क्लियर है।
अब आगे क्या पूछा गया है, फिर बाद में हमने क्या किया है भाई, इतना ही है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 23rd of July 2000, क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से। पहले से 7,000 था, 10,000 और आया, कितने में आया, 1,51,000 में। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो मेरे पास 17,000 यूनिट है 1,72,000 के हिसाब से। अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकता था, 21,000 इसका कॉस्ट, 1,51,000 दोनों को ऐड करो 1,70,000। बट आपके दिमाग में वो टाइम पे नहीं चल रहा, तो फिर आप कैसे करते हैं, ऐसे ही करते, क्लियर है। तो देखो 172 ऑप्शन में दिया है क्या आपने को, देखो हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है, 1,72,000 दिया है ना, तो आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है। तो फिर ओपनिंग स्टॉक नील दिया है, परचेज हुआ है 100 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से, और फिर आपने सेल किया है 500 यूनिट। वैल्यू ऑफ इशू मतलब सेल्स का वैल्यू पूछा है, हमने कितना सेल किया देखो 50, कितना यूनिट बेचा है 50, आपको मैंने अभी इधर ही बताया था, जो भी यूनिट बेचोगे कितने में बेचोगे, कॉस्ट प्राइस पे, ओपनिंग में कुछ भी नहीं। फिर आपने कितना परचेज किया है, 100 यूनिट परचेज किया है, कितने वाला, 30 वाला। तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ मेरे बैलेंस में कितना है, 100 यूनिट 30 रुपए वाला, मतलब मेरे पास बैलेंस 3,000 है, बराबर है। अब मुझे कितना यूनिट बेचने का है, 50 यूनिट बेचने का है, तो 50 यूनिट कितने वाला बेचूंगा, 30 वाला ही ना, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, 1,500। देखो कोई 1,500 है क्या अपने को क्वेश्चन में, ऑप्शन में है 1,500, हाँ सर सी वाला ऑप्शन है 1,500। बात समझ में आ गया, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। जिधर अपने को इसका वर्किंग लगेगा मैं करूंगा, बट अभी लॉजिक था, समझ में आ गया तो कर सकते हो। फोर्थ पे जाते हैं, वापस से देखो क्या दिया है, तो अपने को फिर से ओपनिंग स्टॉक दिया है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है 50 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से। देखो मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग कितना है, 50 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से 1,500। अब मैं ये नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब उसके बाद परचेज हुआ है, तो ऐड होगा परचेज, कितना परचेज किया आपने, 200 यूनिट, कितने वाला है ये, 40 वाला, तो ये कितना होगा, 8,000। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सेल किया है, लेस सेल्स किया, कितना सेल्स किया, अभी ये सब कैलकुलेटर यूज के लिए, कितना सेल किया है, 100। जरा ध्यान देना कौन सा मेथड है, फीफो मेथड है, फीफो मेथड बोलता है जो पहला आएगा पहले वो जाएगा, तो पहला आपके पास सिर्फ 50 ही है, मुझे टोटल कितना बेचने का है, 100, तो पहले मैं 50 बेचूंगा और फिर दूसरा 50 बेचूंगा इसमें से, तो 50 पहले कितने वाला जाएगा, 30 वाला, और फिर 50 कितने वाला जाएगा, 40 वाला, तो टोटल सेल्स कितना, 1,500 एंड 2,000, तो ये जो है वो इसमें से माइनस होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछा है तो। लेकिन अगर सेल्स का वैल्यू पूछा है तो सेल्स का वैल्यू कितना, 3,500। क्वेश्चन में क्या पूछा देखते, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, सेल्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू ऑफ सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 1,500 + 8,000 गया कितना, 3,500 आया, नहीं सेल्स हो गया ना, 0 0 0, 9 में से 6,000, तो देखो 6,000 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर पहला ऑप्शन 6,000 है, समझा, क्लियर हुआ ना कि भाई ये मेरे पास इतना था, इतना परचेज किया और इतने का सामान गया, माइनस किया 6,000 मेरा आंसर आया, कैलकुलेटर पे ऐसे कैलकुलेट करना है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, देखते क्या दिया है। फिर से ओपनिंग स्टॉक दिया है, इशू फॉर कंजम्पशन दिया है, परचेज दिया है, इशू फॉर कंजम्पशन दिया है, और फिर से क्लोजिंग स्टॉक पूछा है फीफो मेथड पे ही। अब डायरेक्टली करने वाला हूं, जरा ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक ये फिफ्थ वाला कर रहा हूं मैं, कितना है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, 150 यूनिट एट द रेट 40, मतलब इसका वैल्यू आ जाता आपको 6,000, क्या बात है। फिर कितना परचेज किया कि सेल्स किया है, सेल्स किया है, कितना सेल्स किया है, 150 में से 100 बिंदास जाएगा, 100 जाएगा, कितने वाला जाएगा, 40 वाला, मतलब 4,000 चले जाएगा, कितना बचा बैलेंस, अब बैलेंस 50 बचा है, 40 वाला ही है, मतलब 2,000, बराबर। अभी अपने को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया भी है तो भी मैंने आपको बताया कॉस्ट पे ही लिखते हैं अपन यहाँ पे, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, परचेज हुआ है, तो ऐड कर दो कितने का परचेज हुआ है, कितने का परचेज है, 150 यूनिट परचेज हुआ है, कितने में परचेज हुआ है, 7,500 में परचेज हुआ है, रेट पर यूनिट नहीं दिया है, कॉस्ट दिया है, बराबर है। तो 7,500 को 150 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है,
अरे बराबर है, क्लियर है यहां तक, पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब परचेज कर लेते, उसके बाद क्या हो रहा है जरा देखो। उसके बाद आपने सेल्स किया है, कितना सेल्स किया बताओ? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट कैसे बेचेंगे? पहले 50 वाला बेचेंगे और फिर इसमें से भी 50 बेचेंगे। तो इधर सेल करेंगे 50 यूनिट 40 वाला, 50 यूनिट 50 वाला। अरे बात समझा? तो अब आपके पास बैलेंस कितना है? तो ये पूरा 2000 जाएगा और ये 2500 पूरा जाएगा। माइनस कैसे करेंगे? तो 2 और 7.5, 9.5 आपके पास है। 9.5 में गया कितना? 2। तो 9.5 में 2 गया तो 7.5, 7.5 में और 2.5 गया तो कितना बचा? 5000। तो आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा? 5000 रुपए का। यूनिट कितना बचा? तो 200 यूनिट था टोटल, 200 में से 100 गया, मतलब 100 ही बचेगा। तो देखो अपने को ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5th में 6000, 13500, 7500 रुपीज, 5000। ऑप्शन 5000 है अपना, समझ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में होने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप में ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए मैंने आपको टॉपिक का कंसेप्ट दे दिया है, तो आपको कभी कोई दूसरा टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट ये लॉजिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम इसी तरह का सम है। क्वेश्चन 6, ओपनिंग स्टॉक दिया है निल, फिर बाद में आपने परचेज किया है, फिर इशू फॉर कंजम्पशन किया है, वैल्यू ऑफ इशू पूछा है, इशू मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स पूछा है, यूजिंग विच मेथड? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसका ओपनिंग स्टॉक तो निल है, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। फिर मैंने क्या किया है देखो जरा, परचेज किया है। कितना परचेज किया है? 100 यूनिट परचेज किया है, कितने हिसाब से? 30 के हिसाब से, मतलब 3000। अब बेचना है, कितना बेचना है? 100 में से 50 तो बिंदास बेच देंगे। इधर वेटेड एवरेज ही यही है मेरा, कोई एक्स्ट्रा था नहीं कि एवरेज निकालना पड़े। 50 को कितने में बेचूंगा? तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? तो अपने को क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इश्यू ही पूछा है, तो देखो 1500 दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ सर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 15 तारीख को ओपनिंग स्टॉक दिया था, फिर परचेज दिया है, फिर इशू फॉर कंजम्पशन दिया है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है वेटेड एवरेज मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बताइए? 50, कितने वाला? टोटल 1500 हो जाएगा, सेम लॉजिक के हिसाब से जा रहे। परचेज किया है, फिर कितना? 200 यूनिट, कितने में? 40 में परचेज किया है, तो इसका कॉस्ट 8000। अब यहां पे थोड़ा चेंज, टोटल करेंगे कितना है टोटल? 250। इसका टोटल 0, 0, 5, 9। अब 9500 को 250 से डिवाइड करो। यहां पे ऐसा टोटल क्यों किया? क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है। फीफो के अंदर वैसा किया था क्या मैंने? नहीं, वेटेड में टोटल लेना पड़ेगा, तो टोटल कर लेते। इधर 9500 डिवाइड बाय 250 करो, कितना आ रहा है? 38 रुपीज। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब हमने 250 यूनिट खरीदा है, 38 रुपया उसका कॉस्ट है, ये दोनों को मिला दिया। बात समझा? मतलब अगर बेचना पड़ा तो इसमें नहीं, इसमें बेचने का, कम करना पड़ा इसमें से करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे। तो देखो उसके बाद क्या किया उसने, इशू फॉर कंजम्पशन मतलब सेल्स किया, तो लेस सेल्स कितना? 100। कितने वाला जाएगा? 38 वाला ही जाएगा, तो इधर 3800 कम हो जाएगा। अरे बात समझा? तो 250 में 100 कम हो जाएगा, मतलब 150 माइनस 0, 0, 15, 8, 7, 7 और 3, 4 बराबर है। अरे समझा? पर यूनिट निकाल के देखो 38 आएगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ये है कि आपने पास 5700 क्या पूछा है? ऑप्शन क्या दिया है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15th ऑफ मार्च, ना? इन्होंने कैलकुलेशन बराबर किया कि नहीं? इन्होंने माइनस नहीं किया बराबर? इधर माइनस करो ना बराबर से। 9 इधर क्या हो गया था? 7 बराबर है ना, इधर 5 आएगा ना, तो ऑप्शन क्या है? 5700 है
है ना, वो ऑप्शन में भी तो दिया है, 5-7 को बराबर है ना ये ऑप्शन, क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप इतना तो समझ में आ गया, दो असाइनमेंट में देना चाहिए ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये जो रिमेनिंग 8 सम है और जो 9 सम है, 9th वाला करवा दूं क्या? 9th वाला करवा दे दो, चलो 9th वाला कर लेते, 8th वाला तुम लोग छोटा सा सम एक कर लेना, 9th वाला बोल रहे अभी तो करवा देता हूँ। द फॉलोइंग यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी वेर अवेलेबल फॉर सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेंटरी 40 यूनिट एट द रेट 20, फर्स्ट परचेज कॉस्ट 15 एट 21, सेकेंड परचेज कॉस्ट इज 50 एट द रेट 22, थर्ड परचेज कॉस्ट इज 50 एट द रेट 23, वॉट इज द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ 35 यूनिट ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड एज डिटरमाइंड अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बाय फीफो कॉस्टिंग मेथड। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भाई द फॉलोइंग यूनिट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी वेयर अवेलेबल फॉर सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ 40 यूनिट एट द रेट 20। 40 यूनिट अपने पास पहले से, 20 रुपया उसका पर यूनिट है। फिर हमने फर्स्ट परचेज किया है 50 यूनिट का, कितने में? 21 रुपए में। सेकेंड परचेज किया है 50 का, कितने में? 22 में। थर्ड परचेज किया है 50 यूनिट 23 रुपए में। ऐसे 3 परचेज दिया गया है और ओपनिंग दिया है। आगे क्या पूछा है? फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ 35 यूनिट ऑन हैंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35 यूनिट इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बाय फीफो मेथड। पहला ओपनिंग कितना था बताओ जरा? 40 यूनिट। कितने वाला? कितना बचा? इसका कॉस्ट 800 आ जाएगा। फिर फर्स्ट परचेज हुआ है, कितना परचेज हुआ है? 50। कितने वाला? 21। कॉस्ट 1050। सेकेंड परचेज 50। कितने वाला? 22, 1100 रुपये। फिर तीसरा परचेज 50, 23, 1150। उसके बाद बस क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग में कितना यूनिट बचा है मेरे पास? क्लोजिंग में कितना यूनिट बचा है? सिर्फ 35। इसका मतलब क्या है? अब तक तो इतने सारे सामान है मेरे पास, तो ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, बट इसमें 35 बचेगा। क्यों सर? क्योंकि उसने बोला है क्लोजिंग स्टॉक 35 है यूनिट। आपको एग्जाम्पल देता हूं और फिर आप खुद समझो डायरेक्ट आंसर, इतना भी नहीं करना था। मैंने बोला भाई मैंने 40 रुपये का राइस लेके आया, पहला गुनी 40 kg का, इसे रखा, बोला ये भाई 20 रुपया किलो वाला है। दूसरा गुनी लाया 21 रुपये वाला 50 किलो, तीसरा लाया, चौथा लाया, ऐसे 4 गुनी ला के रखा है, बराबर है। और मेरा मेथड है फीफो मेथड, पहला गुनी खत्म होएगा तो दूसरा यूज करेगा, दूसरा खत्म होएगा तो तीसरा, तीसरा खत्म होएगा तो चौथा, एंड सो ऑन यूज करना है। राशन की दुकान चालू कर दिया, सब राशन लेने के लिए आ गए, तो पहले मैंने कौन सा पैकेट बेचा रहेगा, फिर ये पैकेट बेचा रहेगा, फिर ये बेचा रहेगा, फिर ये बेचूंगा मैं, तो सब बेचा मैंने और बचा सिर्फ 35। तो किस में बचा रहेगा? लास्ट वाले में बचा रहेगा। तो लास्ट वाले का कॉस्ट कितना है? लास्ट वाले का कॉस्ट कितना है? 23। तो जो लास्ट वाला बचा रहेगा उसमें 35 ही बचा है। अगर 80 बचा रहता, अगर 80 बचा रहता तो ये 50 वाला भी होता और इसमें से भी 30 होता तो 2 यूनिट होता, समझा? अभी सिर्फ 35 ही बचा है, तो 35 किस में बचा रहेगा? तो उसका कॉस्ट कितना है? देखो ऑप्शन दिया है क्या? अरे क्या बात है, ऑप्शन दिया है, इसका आंसर क्या है? 23। अंडरस्टूड, क्लियर? फीफो मेथड में समझा कैसे होता है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।